यस स्टूडेंट्स, अपना लेसन फोर्थ कंप्लीट है। लर्न कर रहे हो क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपरली? ओके, तो आज हम लेसन फिफ्थ स्टार्ट कर रहे हैं, डीआरसी। ओके, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये नेम है एक कंट्री का। क्या है? ये नेम है। ओके, तो हम बोलते हैं डीआरसी। और हमने ये लेसन पहले भी कर रखा है, लेकिन उस समय मोस्टली स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन नहीं की थी। ओके, इसलिए मैं ये रिपीट कर रहा हूं। अपने देखिए बच्चों, ये सिलेबस है, उसके अंदर अपने ओनली 3-4 लेसन ही अभी अपने बचे हुए हैं। ओके, नेचुरल डिजास्टर, सम पीपल, नेवाडाई एंड द यूनाइटेड नेशन। ओके, 3 लेसन जो है वो अभी अपने नए हुए हैं, बाकी हमने कर लिए हैं, और इसलिए मैं इनको शॉर्ट में वापस क्या करवा रहा हूँ, रिपीट करवा रहा हूँ। तो जिससे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं की थी, वो भी इसको समझ सके। ओके, क्वेश्चन आंसर तो आपने कर रखे होंगे, ठीक है? यस, डीआरसी। आप देखिए डीआरसी क्या है, पहले इसका क्या नाम था। ओके, ये कहां पर सिचुएटेड है, ये सभी है, इसकी लोकेशन कहां पर है, ये सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे, और ये मोस्ट लेसन है। ओके, डीआरसी, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि डीआरसी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को हम डीआरसी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा नेम है तो उसको नॉर्मल डीआरसी ही कहते हैं। ओके, इसके अलावा द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो काफी ज्यादा पाए जाते हैं, काफी घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो इस नाम से भी इसको पहचाना जाता है। और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, यानी कि अफ्रीका के अंदर है। आपके इसमें नीचे मैप दे रखा है अफ्रीका का, उसमें जो डार्क ब्राउन सा उसमें शो कर रखे हैं, वो क्या है, कॉन्गो। क्लियर है बच्चों? पहले इसको जायरे के नाम से भी जाना जाता था। ओके, किस नाम से जाना जाता था, जायरे के नाम से। अब देखते हैं हम इसमें बुक में क्या लिखा हुआ है वो। ओके, तो टेगर पेज नंबर 31, आई थिंक आप सबने निकाल लिया होगा। ओके, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी इज ए कंट्री लोकेटेड डीप इन द हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अंडरलाइन कीजिए इसमें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर, हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मतलब है कि वो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके लगभग बीच में ये सिचुएटेड है। ओके, बीच में ये स्थित है। अंडरलाइन कीजिए इसमें, क्योंकि आपके चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है। ओके, तो इस तरह जो मैं अंडरलाइन करवाता हूँ उसके अंडरलाइन कर लिया कीजिए, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि जो भी चैप्टर के बुक में जो भी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स आ रहे हैं, वो आपको कॉपी में करवाए, तो आपको चैप्टर में से भी रन करना पड़ता है। और इस साल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ये क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, ये भी आपको माइंड में रखना है, और ये ऐसे क्वेश्चन बीच में से ही बनते हैं, ठीक है?
इट लाइज इन द टॉरिड जोन, और ये कहां पर है? टॉरिड जोन में है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर है तो टॉरिड जोन होगा डेफिनेटली। हाँ यानी कि यहां पर क्या रहती है, जो टेम्परेचर है यहाँ का, जो वो हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, ये टोरिड जोन के अंदर मिलता है। द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न डीआरसी। और इक्वेटर जो है, आपको ये बताया कि जो इक्वेटर है वो अफ्रीका के, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, तो उसके बीच में से पास होती है। ओके, तो ये जो कॉन्गो है, ओके, लगभग इसके नॉर्थ पार्ट से, इसके नॉर्दर्न जो पार्ट है वहां से ये पास होती है। यानी कि जो कॉन्गो है उसके ऊपर, लगभग ऊपर वाले पार्ट के आसपास से क्या होती है, पास होती है। इट वॉज रूल्ड बाय बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंस इन 1960 के अंदर ये आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है, अंडरलाइन कीजिए। और इस पर किसका शासन था? इसके ऊपर बेल्जियम का शासन था। ओके, तो बेल्जियम ने इसको, इसके ऊपर शासन स्थापित कर रखा था। ये स्वतंत्र देश नहीं था, लेकिन 1960 के अंदर ये क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि ये स्वतंत्र हो गया। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड बेल्जियम कॉन्गो, लेकिन पहले इसको बेल्जियम कॉन्गो के नाम से जाना जाता था, बिकॉज ये बेल्जियम के, बेल्जियम एक कंट्री है उसके ये अंडर में था। ओके, जिस तरह जो इंडिया था वो ब्रिटेन के अंडर में था, उसी तरह जो कॉन्गो है ये भी बेल्जियम के अंडर में था, इसलिए उसको बेल्जियम कॉन्गो के नाम से जाना जाता था। लेकिन इन 1971 इट्स नेम वाज चेंज्ड टू ज़ाइर। ओके, 1971 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया ज़ाइर। ओके, ZAIR। तो ये भी इसी का नेम था। वंस अगेन इन 1997, लेकिन 1997 के अंदर वापस इसका नेम चेंज किया गया। ओके, और इसका नेम क्या रख दिया गया? डेमो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले इसका नाम जो था वो बेल्जियम कॉन्गो के, कॉन्गो था, फिर बाद में इसको जाहिर कर दिया गया, फिर इसका नेम चेंज करके डीआरसी कर दिया गया। ओके, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आपको इन तीनों नेम में से कोई से भी नेम के दो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ये खुद को समझना होगा। कि ये किसकी बात करें, कि ये प्रेजेंट में जिसे हम डीआरसी के नाम से जानते हैं ये उसकी बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि प्रेजेंट में इसका यही नेम है। विच इज इट्स प्रेजेंट नेम, इट्स कैपिटल इज किनशासा। और इसकी प्रेजेंट में जो कैपिटल है डीआरसी की वो कौन सी है? किनशासा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया आपको? ये बहुत ही मोस्ट पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारे न्यू टाइप्स के, या फिल इन द ब्लैंक्स, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, ये सब इस पार्ट में काफी बनते हैं, हर लाइन में आपके इसमें क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इस पूरे पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह समझना। नेक्स्ट रिलीफ। लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्गो रिवर। अब देखिए, ये जो कॉन्गो जो है वो, यहाँ पर जो मेन रिवर है वो कॉन्गो रिवर है, लगभग ये इससे घिरा हुआ है, इसके अंदर ये पाई जाती है। इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द अफ्रीका। ओके, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, आगे बात समझ में, तो ये आप अंडरलाइन कर लेना कि विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका, तो वो होगा कॉन्गो रिवर। एंड द सेवंथ लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। और वर्ल्ड के हिसाब से देखें कॉन्गो रिवर को, तो ये सेवंथ है। कॉन्गो बेसिन कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। ओके, कॉन्गो बेसिन, बेसिन मीन्स क्या होता है, जहां से रिवर फ्लो कर जाती है, तो उसका जो पाथ होता है, उसका जो रास्ता रहता है, जहां जहां जिन जिन जगह से वो फ्लो होती हुई जाती है, तो वो पूरा जो पार्ट है वो बेसिन कहलाता है। ओके, जैसे रिवर है तो रिवर जहां से भी स्टार्ट हो रही है और वो जहां तक जा रही है, तो उसके बीच में जो जो पार्ट है जहां से वो बहती हुई जा रही है, तो उसका जो पूरा फ्लोइंग पार्ट है वो सब बेसिन कहलाता है। तो लगभग ये कॉन्गो जो है, कॉन्गो रिवर है,
ये पूरी कंट्री के अंदर ही है, लगभग वो रिवर है वो सभी जगह से वन पार्ट से स्टार्ट होकर दूसरे पार्ट तक ये पूरा फ्लो होती है। देर आर हाई माउंटेन्स इन द ईस्टर्न एजेस, और जो हाई माउंटेन्स है वो भी है यहाँ पर जो कि ईस्टर्न साइड में है ओके ऑफ द डीआरसी, एंड प्लेट्यूज इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट। और जो प्लेट्यूज है, प्लेट्यूज मीन्स क्या होता है, जो छोटी पहाड़ी जैसी रहती है उसमें प्लेट्यूज कहते हैं, हिंदी में इसको पठार कहा जाता है ओके। ऊपर से ये क्या रहता है, टेबल शेप में रहता है, जो माउंटेन है वो तो यूं रहते हैं और जो प्लेट्यूज रहते हैं वो इस साइड इस तरह से रहते हैं, ऊपर से क्या रहते हैं फ्लैट, जिस तरह से अपनी टेबल रहती है लगभग ये वैसा रहता है ओके। तो इसमें क्या है, हाई माउंटेन्स तो कहां पर है, ईस्टर्न साइड में है, और साउथ में क्या है, प्लेट्यूज है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों इसमें क्लाइमेट, अब देखिए यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। अब देखिए ये क्या है, इक्वेटर के बीच में है ओके। आप इसमें शो कर रखा है कि जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के में जो इक्वेटर है ओके, इक्वेटर जो पास होती है अफ्रीका के लगभग बीच में से होती है, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर क्या है, डीआरसी है, तो डीआरसी का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां से ये इक्वेटर पास होती है। तो इट्स मीन वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा ओके, टॉरिड जोन के अंदर वो आता है, और वहां पर थ्रू आउट द ईयर क्या रहती है, काफी गर्मी रहती है ओके। तो देखिए इसमें बीइंग नियर द इक्वेटर द क्लाइमेट इज मोस्ट पार्ट ऑफ द डीआरसी, द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द डीआरसी इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर यहां से गुजरती है इसीलिए यहाँ का जो साल भर जो टेम्परेचर है हाई रहता है, और साल भर वहां पर लगभग गर्मी पड़ती है। द रैपिड इवोपरेशन ऑफ वाटर, लेकिन वहां पर क्या है, इवोपरेशन भी होता है ओके ऑफ वाटर, वाटर की वजह से ड्यू टू द हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे। अब इवोपरेशन की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर बॉडी से इवोपरेशन भी ज्यादा होता है, लीड्स टू हाई लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी ओके। रिवर भी वहां पर वाटर बॉडी है, और सनराइज जो सनराइज वो डायरेक्टली फॉल होती है ओके, इससे टेम्परेचर हाई हो जाता है, और जो वाटर बॉडी है उसमें से इवोपरेशन भी ज्यादा होता है। अब जब इवोपरेशन होता है तो जो एयर है उसमें ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो जाती है ओके। अब जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो उससे क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं, और इसकी वजह से वहां पर लगभग डेली ही क्या होती है, रेनफॉल होती है। अधिकतर वहां पर जो टाइम है दोपहर 2 बजे बाद में बरसात होती है, 2 से 4-5 बजे के बीच में मोस्टली रेनफॉल होती है, और वो डेली होती है। दिस कॉजेस क्लाउड्स टू बिल्ड अप एंड हैवी रेन्स ओके और बाय आफ्टरनून ओके, दोपहर बाद में होती है मोस्टली जो है बरसात, वहां दोपहर बाद में होती है, बिकॉज इवोपरेशन होती है, उसको क्लाउड्स बनने में टाइम लगता है, तो मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस, दोपहर तक वो कंप्लीट हो जाता है, और फिर रेनफॉल हो जाती है। दिस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे मेकिंग द रीजन वन ऑफ द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड, इसीलिए वो वर्ल्ड का जो वेटेस्ट पार्ट है उसके अंदर वो माना जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द डीआरसी स्पेशली इन द साउथ इट डज नॉट रेन सो मच, अंडरलाइन कीजिए, साउथ के अंदर ज्यादा रेनफॉल नहीं होती ओके, बिकॉज जो इक्वेटर है वो कहां से पास होती है, इसमें नॉर्दर्न पार्ट में से होती है, तो लगभग वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा क्रिएट होती है और वहां रेनफॉल ज्यादा होती है, जबकि उसके ऑपोजिट साउदर्न पार्ट है वहां पर ऐसा नहीं होता ओके, मतलब बहुत ज्यादा वहां पर रेनफॉल नहीं होती। व्हाई द समर इज हॉट एंड वेट द विंटर इज कूल एंड ड्राई, तो जो समर है वो तो हॉट भी रहती है यानी कि बहुत गर्मी भी रहती है वहां पर ओके, टेम्परेचर वहां पर काफी हाई रहता है, और इसी वजह से वहां रेनफॉल भी ज्यादा होती है ओके, तो हॉट एंड वेट क्लाइमेट वहां पर पाया जाता है। द विंटर इज कूल एंड ड्राई, और सर्दियों के अंदर बरसात नहीं होती इतनी ओके, तो वहां पर ठंडा रहता है और ड्राई, ड्राई मीन्स क्या है वहां पर, कि वहां पर रेनफॉल उसमें लगभग नहीं होती, अगर वेट हो जाता है डब्ल्यूटी तो मीन्स वहां रेनफॉल ज्यादा होती है। क्लियर है बच्चों यहां तक?
तो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, प्रतीक सेन से पूछ रहा हूं, केवल भूत सर देंगे, या तो प्रतीक देंगे या फिर प्रखर देंगे, ओके, बीच में कोई नहीं देगा। प्रतीक, प्रखर एंड आर्यन, इनमें से एक देंगे। नेम द कैपिटल ऑफ डीआरसी, डीआरसी की कैपिटल कौन सी है? फास्ट, ओनली 10 सेकंड्स दे रहा हूं आपको, बिना पेज चेंज किए आपको डायरेक्ट आंसर बताना है। अनीश नाथा उसको तो मैंने मना किया है। नेम द कैपिटल ऑफ डीआरसी, वेरी गुड, किंशासा, ओके। इसकी जो कैपिटल है वो किंशासा है। प्रखर ने कहा द डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक, रॉन्ग आंसर। अनिश नाथावत तो पहले ही लिखकर बैठ जाते हैं, बस उसको सेंड नहीं करते हैं। ओके, मैंने अदर स्टूडेंट को कहा ये पहले लिखकर बैठ गए। डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक आपको किसने कह दिया? मैंने 2-3 टाइम्स रिपीट किया था, आपने पता नहीं ये नेम भी कहां से लिया है, द डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक। प्रखर आपने कहां पढ़ लिया ये वर्ड? ये तो पूरी बुक में ही नहीं है आपने। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, कॉन्गो रॉन्ग आंसर भी आप प्रॉपर वे में नहीं देते। ये प्रखर द डेमोक्रेटिक ऑफ कहाँ लिखा हुआ है? आपने जो वर्ड लिखा है वो भी रॉन्ग है, आंसर तो रॉन्ग है ही, वर्ड भी रॉन्ग है। ओके, ये तो डीआरसी जो है उसी का फुल, उसी का जो नेम है वो ही होता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो इसकी कैपिटल है किंशासा। ओके, कुशाल ने, उदय ने, प्रतीक ने, आर्यन ने, अनीश ने, इन्होंने राइट आंसर दिया। यस, देखिए इसमें नेक्स्ट है आपके वेजिटेशंस। ओके, अब देखिए वहां की वनस्पति कैसी है, पेड़ पौधे वगैरह जो है वो किस तरह के होते हैं, वहां पर फसल कौन सी होती है, यही हम इसमें देखेंगे। हाँ कुशाल, आपका भी सही। यस, देखिए स्टूडेंट, द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द डीआरसी इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब देखिए वहां पर हॉट एंड वेट क्लाइमेट रहता है तो इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी होगी तो रेनफॉल भी ज्यादा होगी, रेनफॉल होगी तो वहां पर फॉरेस्ट भी ज्यादा मिलेंगे। ओके, तो इसी वजह से वहां पर फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, लगभग साल भर ये क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, इनमें पार्टिकुलर कोई सीजन नहीं आता जिसमें इनके जो लीव्स है वो शेड्स हो जाए या इनकी पत्तियां इसकी गिर जाए। जैसे अपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, जो ऑटम आता है तो जो ट्रीज है वो अपनी पत्तियों को, जो लीव्स है उनको नीचे गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ कहते हैं। बट वहां पर ऐसा कोई पार्टिकुलर सीजन नहीं है, बिकॉज वहां पर साल भर ही थ्रू आउट द ईयर जो है वो फॉल होती रहती है, रेनफॉल ज्यादा होती है, इसलिए वहां पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहे जाते हैं। ओके, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द डीआरसी इज आइडल फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। डेंस मीन्स होता है घने जंगल, वहां बहुत ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं कि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट उन जंगलों के अंदर जो लैंड है वहां पर भी फॉल नहीं हो पाती। ओके, ऊपर से वो काफी कवर रहते हैं।
तो इसे हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। रेन फॉरेस्ट कवर मोस्ट ऑफ द डीआरसी, दे आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, द ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर कवर्ड विद लीव्स थ्रू आउट द ईयर, और यहाँ के जो जंगल है उसमें जो पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज पाए जाते हैं, साल भर ही वो पत्तियों से घिरे हुए रहते हैं, ओके भरे हुए रहते हैं। देर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स, जो फॉरेस्ट है तो वहां पर ट्रीज भी लार्ज वेराइटीज के पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वहां पर ट्रीज पाए जाते हैं, ओके और बाकी जो अदर प्लांट्स है वो भी काफी ज्यादा मिलते हैं। द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म ए कैनोपी ऑफ लीव्स एट द टॉप, जो ट्रीज होते हैं काफी ये ऊंचाई वाले होते हैं, काफी लंबे होते हैं और ये ऊपर से कैनोपी टाइप बना लेते हैं, यानी कि इस तरह की शेप बना लेते हैं, ओके कि ट्री है ऊपर गया और फिर वहां से इस तरह से फैल गया, ओके ये छतरी टाइप रहती है तो इस तरह से वो कवर कर लेते हैं तो सनलाइट है वहां से नीचे तक फॉल नहीं हो पाती, ओके तो उसे हम बोलते हैं कैनोपी, यानी कि ऊपर से कवर कर लेना। Of leaves at the top, this prevents sunlight from the passing through, okay? और इसी वजह से जो लाइट है वो उनको पास करके नीचे तक नहीं आ पाती, बहुत कम अमाउंट में आती है या फिर नहीं आ पाती, इसलिए उनके नीचे जो हमेशा क्या रहता है बिल्कुल अंधेरा रहता है, डार्क जैसा उसमें रहता है, बिकॉज सनलाइट तो वहां पर नहीं आ पाती है। अब जब सनलाइट उनके नीचे नहीं आ रही है तो नीचे जो स्मॉल प्लांट्स है वो भी अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते, ओके तो वहां पर क्या रहता है, जो छोटे मोटे जो प्लांट्स होते हैं जो कि उनके बीजों से जो ट्रीज है उनके जो सीड्स रहते हैं उनसे नीचे ग्रो होते हैं तो वो प्रॉपर वे में ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि सनलाइट उनको नहीं मिल पाती, ओके कम ही वो ग्रो कर पाते। दिस प्रिवेंट्स सनलाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू, क्रीपर्स क्लाइंबर्स एंड श्रब्स ग्रो बिलो, इसलिए जो बिग ट्रीज है वो तो नीचे से बड़े नहीं हो पाते तो नीचे केवल ओनली क्रीपर्स है, क्रीपर्स क्लाइंबर्स एंड श्रब्स, ओके तो क्रीपर्स तो क्या रहते हैं, ऐसे प्लांट्स रहते हैं जो कि नीचे जमीन पर ही फैलते हैं, ओके उन्हें बोलते हैं क्रीपर्स। क्लाइंबर्स होते हैं जो बेल टाइप के रहते हैं जो कि किसी पेड़ के डिपट कर उसके है ना उसके साथ साथ में क्या हो जाते हैं ऊपर चढ़ते हैं, इस तरह की जो बेल होती है उनको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। और नेक्स्ट जो झाड़ी वगैरह रहती है वो श्रब्स होती है, ओके छोटी झाड़ियां जिन तो वो श्रब्स कहलाते हैं। बुशेज तो वहां पर मिलेगी नहीं बिकॉज वहां वाटर ज्यादा है तो वहां नहीं मिलती, ओके तो श्रब्स वहां पर मिलती है। ग्रो बिलो हाउएवर एट सेवरल प्लेसेस द कैनोपी इज सो थिक दैट वेरी फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो अंडर इट, ओके तो कुछ स्थान पर तो कुछ जगह पर तो ये जो कैनोपी होती है मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ओके इमेजिन कीजिए ट्री है, ओके ये ट्रीज है, ओके तो ये इस तरह से यहाँ पर कवर रहता है इस तरह से, ओके अब देखिए ये कवर हो रखा है, अब यहाँ से सनलाइट है, ओके तो सनलाइट यहाँ से फॉल होती है तो ये ऊपर ही रुक जाती है, ये नीचे तक नहीं आ पाती, ओके तो इस तरह से क्या होता है तो इस तरह से क्या होता है कि नीचे लाइट नहीं आ पाती इसलिए जो स्मॉल प्लांट्स है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते, ओके वो ग्रोथ उनकी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। इन सम पार्ट्स ऑफ डीआरसी मोस्टली इन द साउथ वेयर द क्लाइमेट इज नो सो हॉट, जबकि जो साउथ है वहां पर क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं रहता और ना ही इतना वेट रहता है। आपको पहले बता दिया कि साउथ पार्ट है वहां पर रेनफॉल इतनी नहीं हो पाती, वहां रेनफॉल नॉर्मल होती है, कम भी नहीं होती बट बहुत ज्यादा नहीं होती। वेयर द क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड वेट द वेजिटेशन इज डिफरेंट, तो वहां पर वेजिटेशन डिफरेंट टाइप्स की होगी, रेनफॉल जहां पर हो रही है वहां डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन होती है, जहां रेनफॉल कम हो रही है तो या नहीं होती लगभग नहीं होती तो वहां डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन मिलती है, ओके वेजिटेशन इज डिफरेंट इंस्टेड ऑफ डेंस फॉरेस्ट देयर आर ग्रासलैंड्स विद अ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, तो वहां रेनफॉल कम हो रही है तो वहां पर डेंस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते, वहां ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, ओके और जो ट्रीज है वो भी बहुत कम वहां पर रहते हैं। सच ओपन ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना, तो इस तरह के जो
ओपन ग्रासलैंड रहते हैं, ओके, जहां ट्रीज बहुत कम रहते हैं, तो उस पार्ट को वहां पर किस नाम से जाना जाता है? सवाना के नाम से। अंडरलाइन कीजिए, आपसे पूछा जाए सवाना कहाँ मिलते हैं, आप कह देंगे कि अफ्रीका में मिलते हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, ओके, या फिर डीआरसी में मिलते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो ग्रासलैंड्स है उनको सवाना, डिफरेंट कंट्रीज में इनको डिफरेंट नेम से इनको जाना जाता है। तो सवाना यहाँ पर कहते हैं, कहीं पर इसको डॉन्स कहते हैं, कहीं पर पंपास कहते हैं, कहीं प्रेरीज कहते हैं, ओके, इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। बट साउथ अफ्रीका के अंदर या फिर डीआरसी के अंदर इनको सवाना के नाम से जानते हैं, ओके, तो ग्रासलैंड्स रहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, ओपन ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड सवाना। क्लियर है बच्चे यहां तक? नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ। अब देखिए वहां पर जो वन्य जीव है, जंगली जीव जंतु है, वो किस तरह के? तो डेफिनेट है जो हमने डिस्कस किया है, नॉर्थ पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट एंड साउथर्न पार्ट। तो दोनों में क्या है, जो कंडीशन है वो डिफरेंट है। एक जगह रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, एक जगह कम होती है, नॉर्मल सी होती है, ओके। फॉरेस्ट यहाँ पर जो है या जो ट्रीज है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हो गए, ओके। तो जहाँ रेनफॉल ज्यादा होगी वहां पर डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज होंगे, जहाँ रेनफॉल कम होती है वहां कम ही रहेंगे ट्रीज, ओके, वहां ग्रासेस ज्यादा होगी। इसीलिए वहां पर जो वो भी दोनों जगह डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। डिफरेंट टाइप्स का मतलब है है कि ऐसे एनिमल्स जो कि जंगल में या पानी वाली जगह ज्यादा रह सकते हैं तो वो कहाँ मिलेंगे, नॉर्दर्न पार्ट में, और जो ग्रास में रह सकते हैं, खाली मैदानों में रह सकते हैं, तो वो मिलेंगे अपने सदर्न पार्ट। अब जैसे नॉर्दर्न पार्ट है तो वहां पर लॉयन वगैरह नहीं, बिकॉज उनके लिए वहां पर वैसा वैसी कंडीशन नहीं है। वहां उनको घास के मैदान चाहिए, एनिमल्स इस तरह से है कि वो उनको दौड़ कर पकड़ सकें, ओके, और उनको खुला चाहिए, टेम्परेचर भी उनको ऐसा चाहिए नॉर्मल। तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां तो पानी है, ओके, वेट है क्लाइमेट, तो वो इस तरह के एनिमल्स वहां नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि दोनों में डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स भी मिलते हैं, कुछ कॉमन मिल सकते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड सवानास, ओके, ऑफ द डीआरसी। फॉरेस्ट एंड सवानास में डिफरेंट टाइप्स के और लार्ज वेराइटीज के एनिमल्स पाए जाते हैं। एलिफेंट्स, बफेलोज, गोरिलाज, चिंपांजीज, बाबूंस, हिपोपोटामस एंड राइनोसोरस आर सम मैमल्स, ओके। मैमल्स जानते हैं आपको, मैमल्स किसे कहते हैं? कहीं आप कंफ्यूज मत होना कि एनिमल्स की जगह मैमल्स यहाँ प्रिंट हो गए। बताइए आप साइंस में पढ़ते होंगे मैमल्स। अनिश ने पता नहीं क्या लिखा, मेरे समझ में नहीं आया। गिव बर्थ यंग वंस, सभी एनिमल्स देते हैं यंग वंस, वो तो ठीक है। ठीक है आपका आंसर भी, बट मैमल्स ये तो ठीक है आपका, गिव बर्थ यंग वंस। इसके अलावा ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं, ओके। सभी एनिमल्स नहीं पिलाते अपने बच्चों को, लेकिन कुछ एनिमल्स जो पिलाते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को फीडिंग करवाते हैं, दूध वगैरह पिलाते हैं, तो ऐसे जो एनिमल्स हैं उनको हम मैमल्स कहते हैं, ओके। फाउंड इन द फॉरेस्ट दैट चमका, ओके, फाउंड इन द फॉरेस्ट, लॉयंस, लियोपार्ड, जिराफ, जेब्रा, वॉल्व, एलिफेंट्स एंड चिंपांजीज फ्रॉम द
क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन प्लेंटिंग इन द रिवर्स। अब देखिए क्रोकोडाइल कहाँ रहते हैं, रिवर्स के आसपास रहते हैं, उनको पानी भी चाहिए, वो दोनों जगह रह सकते हैं बट मोस्टली उनको पानी भी चाहिए ज्यादा। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, इसके अलावा बर्ड्स भी वहां पर डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, बहुत जंगल है तो डिफरेंट टाइप्स के वहां पर मिलेंगे। ओके, और बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट, अमॉन्ग द इंसेक्ट्स इज फाउंड दैट टेस्ट इज प्लाइज, अंडरलाइन करना इसमें। फ्लाइज यानी कि एक विशेष प्रकार की एक मक्खी होती है, वो वहां पर मिलती है, विच कॉजेज द ड्रेडेड स्लीपिंग सिकनेस। ये कोई डिजीज रहती है, ड्रेडेड स्लीपिंग सिकनेस। ओके, तो इस फ्लाई की वजह से ये डिजीज भी वहां पर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट आ रहा है आपके नेचुरल रिसोर्सेस। स्टूडेंट नेचुरल रिसोर्स प्राकृतिक संसाधन, हिंदी में हम इसको बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। ओके, डीआरसी हेड। अब संसाधन कौन से होते हैं यानी रिसोर्सेस कौन से हैं, ऐसे जो मटेरियल जो हमें नेचुरली मिलते हैं और हम उनको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अपन उसको यूज करते हैं, वो अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं, दैट आर नोन एज रिसोर्सेज, यानी कि संसाधन हम उसको कहते हैं। रिच नेचुरल रिसोर्सेज है, देयर आर वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम एंड डायमंड्स इन सदर्न डीआरसी। अब देखिए इतनी वैल्यूबल जो रिसोर्सेज है वो वहां पर मिलते हैं, ये काफी वहां पर डिपॉजिट है, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड्स। ओके, ये सभी चीजें वहां पर ज्यादा मिलती हैं, डायरेक्टली नहीं मिलती कि वहां गए जमीन खोदी और उसको निकाल दिया। ओके, ऐसा नहीं है, उनको टेक्नोलॉजी रहती है, उससे उनको निकाला जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है। ओके, इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ कोबाल्ट, अंडरलाइन कीजिए, जो कोबाल्ट है वहां पर वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कोबाल्ट कहां पर मिलता है, वो डीआरसी में मिलता है। ओके, अंडरलाइन कीजिए इसमें। अधिकतर जो मिनरल्स है वो वहां से अदर कंट्रीज जो है वहां पर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ओके, विद अबाउट 48% ऑफ द लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट, जायरे का लगभग 48%, लगभग 50 के आसपास हो गया, 48% है वो फॉरेस्ट से कवर है, और डीआरसी इज वन ऑफ द बेस्ट फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन अफ्रीका। और जब इतनी जंगल है तो इट्स मीन वहां पर फॉरेस्ट रिसोर्स काफी ज्यादा मिलते हैं। वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, डैम्स बिल्ट ऑन द रिवर्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा वाटर भी वहां पर काफी ज्यादा है, तो वहां डैम्स भी बनाए गए हैं, बांध भी बनाए गए हैं। ओके, और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, जो पढ़ा, इसमें कुछ पूछना है आपको? क्लियर है बच्चा? एनी डाउट एनी स्टूडेंट को, प्रियांशी, गुरमेश, अपूर्वा? ओके, तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज लोकेटेड इन विच जोन? ओके, गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मीन्स डीआरसी इज सिचुएटेड इन विच जोन?
अनिश नाथावत, योर आंसर इज रॉन्ग। दित्या श्रीवास्तव, योर आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग। बाकी स्टूडेंट्स अब सब चेक करने लग गए बुक के अंदर, ओके, कि इनका रॉन्ग है कि राइट क्या होगा। स्पेलिंग तो सही लिखा होगा। वेरी गुड, सभी का राइट है, अनिष्का वगैरह का सबका राइट है, किसी का रॉन्ग नहीं है। स्पेलिंग ठीक है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन, ओके, दोनों क्या है राइट। तो जब डीआरसी वो कहां पर लोकेट है, ट्रॉपिकल जोन में या फिर टॉरिड जोन, बोथ आर राइट, एक ही चीज है दोनों, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें एग्रीकल्चर फार्मिंग इज डन इन लार्ज एरियाज फ्रॉम वेयर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। जहां जंगलों को काटा जाता है तो वहां पर क्या है, वहां पर फार्मिंग की जाती है, क्योंकि बिकॉज फॉरेस्ट ज्यादा होंगे, ट्रीज ज्यादा होंगे, तो डायरेक्टली वहां पर फार्मिंग नहीं हो सकती, तो कुछ जगह से जंगलों को काट दिया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है और वहां की जो लैंड है उसको क्लियर किया जाता है और फिर वहां पर फार्मिंग की जाती है, ओके। जो मेजर फूड है वहां की वो क्या है, कसावा, मेज एंड राइस। तो कसावा क्या रहता है, कसावा वहां की एक क्रॉप रहती है, ओके, और वहां का स्टेपल फूड भी रहता है, मोस्टली वहां पर कसावा खाया जाता है। कसावा क्या रहती है, रूट्स टाइप का रहता है, जिस तरह से अपन जो गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तो इस तरह, या फिर शकरकंदी वगैरह अपन खाते हैं, ओके, तो इस तरह की एक वो रहती है, फसल रहती है, तो उसके उस रूट पार्ट को वहां पर खाया जाता है। तो ये वहां का मेन फूड है। इसके अलावा मेज राइस ये भी है, इसके अलावा कॉफी, कोको, रबर एंड कॉटन, ओके, ये भी वहां पर उगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एक्सपोर्टेड, बट वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, ओके, तो वहां पर अपने लिए यूज जो होता है वो तो रख लेते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरी कंट्रीज में, उसे सेल आउट किया जाता है, ओके। तो इस तरह से वहां पर ये एग्रीकल्चर की कंडीशन है। अब नेक्स्ट इसमें द पीपल की वहां किस तरह के लोग पाए जाते हैं, लॉन्ग पॉइंट है ये, फिर ट्रांसपोर्टेशन है ये भी है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे। आई होप आपको ये लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा, ओके। समझ में क्या होगा कि आपको तो लर्न भी होना चाहिए, ओके, बिकॉज छोटा लेसन है और बिल्कुल इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया गया है, तो ये तो डायरेक्टली आपसे अगर कोई पूछे तो आप ये सब चीजें डायरेक्टली ओरली भी इसको बता सकते हैं, ओके। क्लियर है बच्चों, आप इसे रीड करना, जो भी समझ में आए नेक्स्ट क्लास में पूछना, ओके। बाय।